ये भी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, जा रही हूँ मैं कृष्णा को लेने ट्यूशन से और रात हो गई है, देख लो आप लोग। सो ब्यूटीफुल मम्मी। सो गाइस चलो मैं कृष्णा को लेकर के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। बहुत थक जाती हूँ यार मैं, क्या करूँ, बट कुछ नहीं, स्ट्रगल के आगे सब कुछ है। भगवान ने जब तक जिंदगी दी है तो शौक से जियो, खुशी से जियो, कभी कोई कमी ना रह जाए कि हाँ हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जितना जुनून है उतना करो। और आप लोगों के लिए आज के ब्लॉग में हम बताएंगे बढ़िया सा फेस पैक जो कि आप लोग यूज़ करेंगे और आप हमारी तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह भाई वाह, जोड़ी क्या बनाई दीदी और हमारी, बधाई हो बधाई। जो सीमा जी कहते हैं वो सीमा जी कहेंगे, जो दीदी कहते हैं वो दीदी कहेंगे। चलो मिलती हूँ मैं आप लोग को। लग रहा ना मेरे दांत वाइट वाइट, केयर होती है, सब कुछ केयर होती है। मैं ना दुकान में भी गई थी, मॉल में गई थी, एक बार अभी गई थी बीच में, इयररिंग्स लेकर के आई थी, दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वो पता क्या बोल रहे हैं, आपके दांत असली हैं या फिर आपने कुछ लगाया है? मैंने कहा क्यों, बहुत वाइट हैं आपके दांत। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने जूड़ा बनाया हुआ था। कह रहे हैं आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, टच वुड। मैंने कहा हाँ हैं, बिल्कुल हैं। मैं अपने चैनल का कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ, ना ही मैं बोलती हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ या कुछ भी, क्योंकि ना मुझे ना बाहर जा करके व्लॉगिंग करना थोड़ा ऑड लगता है यार। थोड़ा सा मोटिवेट करो यार कि बाहर की भी व्लॉगिंग कर सकें हम। बाय। ट्यूशन से अच्छे से बात किया करिए, ठीक है? आपसे सब लोग आपको देखते ना बेटा। आप थक गए हो? थक गए हो? ओके तुम क्या करें? सच में मेरी दीदी बाहर जॉब करती है, उनका कुछ काम था, वो नहीं कर सकती और मुझे पता नहीं था इतना टाइम हो जाएगा बाहर। कोई बात नहीं, बताइए बेटा बताइए, आप क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ दीदी देखिए, पैसे तो मैं आपको खुद ही नहीं डिस्टर्ब करती, आप खुद जानते हो। वो ना मेरे ना दो मुंह के बाल हो गए थे बहुत ज्यादा, ठीक है? और मैं ना वेट कर रही थी कि सब अच्छा आएगा तब मैं अपने बाल हेयर कट करूंगी। बट क्या हुआ कि ना जो जैसे दो मुंह के बाल ना मेरे बीच बीच में से भी हो गए थे, ठीक है? वो ना झड़ रहे थे, बीच में से टूट रहे थे दीदी, जिससे कि ना मैं लेंथ भी इम्प्रूव करवाऊँ तो कैसे कराती? बेटा देखो मैं बताऊँ, आपकी जो गलत फहमियाँ हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सारी चीजें आपकी, एक तो देखो पहले आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है कि अगर हमारे बाल दो मुंह के हो रहे हैं तो वो बाल ग्रोथ कहाँ से करेंगे। पहली बात तो बाल नीचे से नहीं लंबे होते हैं, ठीक है? ग्रोथ करते हैं बाल आपके गंजे जो टकला होता है ना, हमारा सर होता है हमारा, वहां से लंबे होते हैं, ठीक है? तो दो मुंह बाल जो होते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? दीदी आज मैंने अपने बाल कटाए हैं, 4 से 5 इंच कटाए क्योंकि बहुत पतले लग रहे हैं। मैंने देखा आपने बहुत बढ़िया किया, बट आपके बाल ऊपर से हैवी हुए हैं, बहुत अच्छे बालों की ग्रोथ हुई है आपके बालों के। दीदी ये चीजें हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है, लेकिन हाँ ये रियलिटी है। लेकिन मैं ये चाहती थी कि जब आपको रिजल्ट दूं तो जो मेरे फ्रंट के जो बाल है ना, ये वाली बात जब दीदी मैंने आपका 5.5 वाला जो पैकेज यूज किया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि दीदी हाँ मेरे बाल पहले से हैवी हो गए हैं, 2 से 3 इंच बड़े भी हैं, और जो 9.5 वाला पैकेज अब मैंने लिया है उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और एक और बात दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो, जैसे मैंने आपका जो ये टोनर वगैरह जो मैं बनाती हूँ 1 हफ्ते से कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। नहीं बेटा इसको बंद, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो अगर आप बना रहे हो फ्रिज में स्टोर करती हूँ, जैसे ही यूज करना होता है मैं तो ठीक है। मैं अपने लिए एक कप चाय बना रही हूँ, मेरे बच्चे ना बहुत शैतानी करते, बहुत शैतानी करते, और मैंने यहाँ पर भिंडी और आलू की सब्जी बनाई है। भिंडी और आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, मैं डालती नहीं हूँ आलू, बट ना एक दिन क्या हुआ था भिंडी थोड़ी सी कम थी तो मैंने बनाया था, ठीक है? और लाडू को ना बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी लाडू, मेरी आलू और भिंडी निकाल निकाल के खा रही थी। तो मैंने कहा था नहीं भैया मैं बच्चों के लिए तो बिल्कुल बनाऊंगी, मेरे बच्चों को जो पसंद है वही बनाऊंगी मैं, ठीक है? तो आशीष नहीं खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं तुम थोड़ा बहुत खा लेना। तो मैं वैसे भी कितनी रोटी खानी, 2 रोटी खानी है, तो फिर मैंने क्या किया इसमें डाल दिया है और आलू, और लाडू अच्छे से खा लेगी मेरी। और मैंने रखी 1 कप चाय, अभी मैं यहाँ पर ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करने वाली हूँ, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इतना पैर दर्द हो रहा है ना सुबह से, इतना पैर दर्द हो रहा है कि बस पूछो मत। अगर मैं आप लोगों को पूरा दिन का काम दिखाऊँ ना तो आप लोग ये कहोगे कि दीदी करते कैसे हो, हाउ कैन मैनेज इतना सारा वर्कलोड, इतना सारा काम कैसे मैनेज करते हो। हम लोगों से नहीं होगा। टोनर लगा लिया बालों में, ऑयल लगा लिया है, स्कैल्प ऑयल लगाया है और रूट्स का जो क्यूटिकल्स ऑयल होते हैं लेंथ वाला ऑयल वो लगाया है, हेयर पैक लगाया है कि था आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी देखोगे आप लोग ब्लॉग चैनल पर। बहुत मेहनत है, अच्छा लगता है मेहनत करके। आप चाय रखी, मैंने पहले सोच रही इस वीडियो में सब कुछ एडिट कर दूं और फिर डाल दूं, कुछ गलती से अगर आ जाए आप लोग के पास में यार माफ़ी कर देना, क्योंकि ना आज मैंने ना वीडियो ज़्यादा एडिटिंग नहीं करी है क्योंकि वीडियो हो रही थी बहुत ज़्यादा बड़ी, इसलिए और कुछ चीज़ें मैंने आप लोग के साथ में इसमें शेयर करनी थी नहीं कर पाई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम कर पा रहे हैं वो चीज़ हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग वो देख लीजिए और देख लो 9 बज रहा है अभी, मेरी कॉल कस्टमर्स की कॉल ख़त्म हुई है, ठीक है, और अभी एक दो लोगों से रह गई है बात करना, ऐसा नहीं है कि सबसे ही ख़त्म हो गई है, नहीं, अब मैं उनसे कल बात करूँगी, कल का टाइम होगी फिर कल बात होगी उनसे। मेरा ना पैर एकदम बिल्कुल ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा पैर दर्द हो रहा है मेरा, ठीक है, बट अभी क्या है एक काम तो करना ही है ना, तो बस चलो ब्लॉग पब्लिश कर दिया है, देखो आप लोग फिर बताना कैसा लगा ब्लॉग आज का। और जो ये अभी अभी मैं आप लोगों से बात करती हूँ वो वाला ब्लॉग आएगा कल, है ना। अरे ना मैं तो लाडो पलट गई, देखो कितनी सतानी करते हैं दोनों, कृष्णा पन्नी हटा दे इसके बाद से बेटा, उसको लग जाएगी पन्नी में, दम घुट जाएगा उसका, मानता नहीं है तू। लाडो मारियो मारियो चाबी चाबी लाडो की लाडो भागी, तो लो कृष्णा पन्नी दो मुझे, ये मैंगो सन तुमने चढ़ा दिया, लाडो मैंगो नहीं खाया, नो वी वांट व्हाट आर यू डूइंग, खत्म करो उसको लाडो, ओहो अरे चलाइए ना, ओहो ओहो गिल गए अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है, 5:30 हो रहा है, जस्ट अभी कृष्णा को ट्यूशन से छोड़ के आ रही हूँ, उनकी सतानी देखो क्या कर ले हो। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है अपनी स्किन केयर का सीरीज, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि कौन सा मंजिष्ठा पाउडर लेना है और कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ और कौन सा मतलब होना चाहिए। देखो फेस पर मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, ओनली मैंने काजल लगाया है। लाडो डोंट डू दिस बेटा, नो 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 बेटा, लो अरे ले लो, अच्छा गोदी आओगे क्या करोगे, किधर आओ चले बाहर, बश करोगे आप फोन नहीं पकड़ पाओगे, छूते हो, अच्छा लो लो गंद के इनका टकला के इनका, हेलो हाय गाइस लाडो। इस बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना कि इनके लिए तो सब कुछ नुछावर कर देने का मन करता है, ठीक है। तो बस अभी मैं यहाँ पर आई हूँ अपने स्टोर रूम में, लो लाडो पेंसिल,
ठीक है तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने मंगाया है मुलेठी का 1 kg का पाउडर, बहुत अच्छा लगता है मुझे और मुलेठी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है और आप लोगों को क्या लेना था, एक पाउडर मैंने आप लोग को और बताया था वो भी बता देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोग को जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है मंजिस्था ये वाला लेना है। ठीक है बहुत सारे चीज़ें होती हैं तो वो आपको यूज़ करना है, तो अगर आप सही वे में सही चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। बिकॉज क्या है ना सब कुछ करने पर डिपेंड करता है। लड़ो कम बेटा लड़ो, अंदर आओ अंदर आओ, जल्दी आओ आओ ए बेटी लाडो, ए लाडो बेटा भगवान को छोड़ दो, बख्श दो भगवान को बेटा, आओ आओ हाँ जय बाबा रख दो। माता रानी का है जय माता की है, आ जाओ लाडो कम 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 फॉलो बेटा, नो बेटा बहुत शैताना करते हो तुम, काय कर ली हूँ इका कर ला है तू बेटा ना तो कहेगा नो, भगवान जी को ना छुआ करो बेटा, बहुत बड़े भगवान हैं ये, चलो आओ बाहर चलो चलो लाडो, नहीं लाडो इतनी छोटी सी है ना इसके साथ झुको तो कमर में दर्द हो जाती है मेरे, वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा ना इस वजह से दर्द हो जाता है क्योंकि लाडो सी सेक्शन से हुई है, कृष्णा नॉर्मल हुआ है। चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, इनको देखती हूँ सोती हैं तो ठीक है, बिकॉज कल मेरा शूट है, संडे है तो शूट है तो इसलिए मुझे भी ड्रेस भी निकालनी है। ठीक है और आप लोग के साथ में मैंने बोला था कि आज इसमें मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी, तो एक बार मैं करेक्शन कर लेती हूँ क्या चीज़ बोली थी, हल्दी का तेल एक तो है ना, तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी थोड़ी देर में। जस्ट अभी मैं खाना बना रही हूँ, ट्यूशन से ले आई थी, दूध पी चुका है सब, ग्लास यहाँ पर डाल दिया मैंने और पानी इसमें मैं डाल देती हूँ देर तक के लिए, बहुत बारी बताया है कि काफ़ी हाइट पर रहते हैं हम तो पानी ज़्यादा यूज़ करना होता है। और खाना बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्ज़ी साथ में रायता और सैलड रोटी। ठीक है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया है मैंने अपनी बॉडी में और अपने फेस पर, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छे से क्योर हो रहा है सब कुछ, वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। ठीक है और बच्चों के साथ में ना बहुत डिफ़िकल्ट है करना सबको, तो देखो फ़ोन पर बात करना होता है, हाँ हम आपको पहले पैसे भेज दें और फिर आप हमें प्रोडक्ट दें या ना दें, तो देखिए हम आपसे पैसा मांगने नहीं जाते हैं। ठीक है जिनको भी ये लगता है कि हाँ हम आपको पहले पैसे दे दें फिर आप प्रोडक्ट भेजेंगी नहीं भेजेंगी क्या गारंटी है, तो देखिए अगर आपको गारंटी नहीं है ना तो हम आपसे पैसा मांगने जाते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि आप हमें पहले पेमेंट कर दीजिए। ठीक है आपको ट्रस्ट है तो कीजिए, नहीं है ट्रस्ट तो कोई बात नहीं, बट हमारा रूल है और हम यहाँ पर जब काम कर रहे हैं ना तो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, पहले पेमेंट्स आती हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसके बाद आपको प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है हम पेमेंट से पहले बात नहीं करते, फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। ठीक है और एक दिन में आप मेरे पास आज भी 25-26 ऑर्डर आए हैं। ठीक है अभी भी शाम को एक ऑर्डर आया था 5500 रुपये का प्रोडक्ट का, तो मेरे पास में ऑलरेडी एक दिन में 26-25 ऐसे ऑर्डर आते हैं, तो आप लोग खुद सोचो कि एक अकेला बंदा 25-30 लोगों से बात कर पाएगा, और कोई भी बंदा अगर बात करेगा ना आपसे तो वो आपका 10-20 मिनट ज़रूर लेगा ना, मान लो 10 मिनट भी नहीं लेता 5 मिनट लेगा, तो आप सोचो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दूसरी चीज़ ये कि जिनको ट्रस्ट है वो पेमेंट करके प्रोडक्ट मंगा लें, जिनको नहीं ट्रस्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल पर बहुत रेमेडीज़ पड़ी हुई हैं आप उनको फॉलो कीजिए। हमारे पास कोई भी बंदा अगर हमसे बात भी करने आता ना कि दीदी हमें प्रोडक्ट्स लेना है तो हम ले लें ना लें, हम ये बोलते हैं चैनल पर बहुत वीडियोज़ पड़ी हैं आप उसको देखिए बनाइए और यूज़ कीजिए। ठीक है तो लोगों को लगता है तो लोग कर देते हैं, लोगों को लगता है नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करते। देखो बच्चों के साथ में बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाता है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सबसे बात करूं उसके बाद से मैं डेटा कनेक्ट करूं, मैं ना इतनी देर से वो ढूंढ रही हूँ अपना स्टैंड ढूंढ रही हूँ कि मैं स्टैंड लगा दूं फिर मैं आप लोगों से बात करूं, बट ये स्टैंड नहीं मिलेगा मुझे मेरा, है ना, तो वही चीज़ है। और देख लो आज भी मैंने सिर्फ 5 लोगों के प्रोडक्ट्स रेडी किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के, तो इतना बिजी शेड्यूल है ना कि हद से ज़्यादा, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता है ना, बट फिर भी अपने आप को जब तक हम नहीं ठीक करेंगे तब तक हमें लोग क्या कहेंगे, पहले खुद को तो ठीक कर लो
राइट, ये होता है आजकल का जमाना है ये। सो गाइज, यहाँ पर मैं बना रही थी, शाम का टाइम हो गया था, मतलब 8:30 हो गए थे। कृष्णा को ट्यूशन से ले आई थी मैं, तब मैं बना रही थी यहाँ पर अपना खाना, और फिर मुझे मार्केट भी जाना था। तो आशीष बोल रहे थे कि तुम ऐसा करो, सब्जी वगैरह जो है वो बना लो, है ना, और फिर मैं आकर। हाँ हाँ बेबी, 2 मिनट। अरे लाडू को सुला रही हूँ ना मैं, तो मैं जैसे ही नीचे आऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब देखो इसकी शैतानी, देखो कितनी शैतानी करती है ये। जहाँ जहाँ रहूँगी मैं, वहीं वहीं आएगी जाएगी। मैं कृष्णा को यहाँ पर बोल रही थी कि अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ ना, और अगर मैं आ गई और देखूँगी ना, तो फिर बहुत मारूँगी। तो कृष्णा कह रहा है अरे मम्मा मैं कर तो रहा हूँ। मैंने कहा हाँ, बस होमवर्क कंप्लीट मिलना चाहिए, कुछ कंप्लेन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो कह रहा ठीक है मम्मा मैं कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तू मुझे आप चीज़ें दिला दोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, चीज़ें दिला दूँगी। तो बहुत आराम से प्यार से बात करता है, जब कुछ चाहिए होता ना तो बच्चे बहुत प्यार से बात करते। तो यहाँ पर ना मैं सब कुछ उसमें डाल रही थी, मसाले वसाले, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालते हैं। हम यहाँ पर बना रहे थे बीन्स की सब्ज़ी, आलू और बीन्स। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं वो बताइएगा। और जब हम बीन्स की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके साथ में हम लोग रायता वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। कभी कभी रस्से वाली बनाती हूँ, गीली वाली, और नहीं तो फिर मैं सूखी बनाती हूँ बीन्स की, या फिर आपकी भिंडी वगैरह भी बहुत सारे लोग तरी वाली बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। हम एक तो स्टफ भिंडी बनाते हैं, एक आपकी आलू और भिंडी बनाते हैं, और एक प्लेन भिंडी। अब यहाँ पर मैं टमाटर को जो है ना चॉप कर रही थी, और वो डालूंगी इसमें। ये बहुत अच्छा है, ब्रांड है, जो चॉपर है मेरा गणेश ब्रांड है, और ये बहुत अच्छा है यार, सस्ता भी बहुत है, 200-250 रुपये का आया है, और इतना अच्छे से चॉप कर देता है ना कि मतलब पूछो मत आप। तो अब यहाँ पर देखो फिर से लाडू आ गई है ना, चाकू ले लेती है। अब यहाँ पर मैं ना इसको देखने गई थी क्या कर रही क्या नहीं, बॉटल ले लेगी, चाकू ले लेगी, बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल अब ये मानेगी नहीं बिल्कुल भी, अब इरीटेट हो चुकी है। अब इसको मम्मा गोदी चाहिए, बस इसको गोदी आना है, गोदी में आके दूध पीना है। कुछ भी कर लो आप, डांस कर लो, कथक कर लो, कुछ भी कर लो, ना मानेगी, बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो बस अब यहाँ पर हम लोग यहीं पर वीडियो है ना अपना एंड करेंगे। फिर मैं वहाँ गई थी मार्केट, वहाँ से आए थे हम 12:30 बजे मार्केट से रात में। फिर उसके बाद से हमने खाना बनाया था, मींस की रोटी बनाई थी, रोटी बनाने के बाद से खाना वाना खाया था, और फिर उसके बाद से बच्चों को सुलाया था। वो भी क्लिप मैं इसमें ऐड कर दूंगी रात में, क्योंकि आशीष बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आकर के फिर मेरे साथ मार्केट गए थे। मैं ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ कि चलो चलो चलो, अगर उनका मन है तो ठीक है फ़ोन कर देंगे, आ जाओ नीचे चल लेना। मैं बोल देती हूँ कि देखो ये चीज़ ख़त्म हो रही है तो ये चीज़ लानी है। तो हम ना एक अचार यूज़ करते हैं खाने वाला, तो वो अचार ना यहाँ पर नहीं मिलता, वो मेरठ में ही मिलता है। तो वहाँ मेरठ के तरफ हम गए थे, फिर लेकर के आए थे वो अचार पैकल घर का बना हुआ होता है। तो देखने की बात है, सब्जी बन गई।